हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लाउज़ का बैकनेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लाउज़ की इधर कटिंग मैंने कर ली है, एक बार मेजरमेंट मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि कैसे लिया है। लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे और प्लस 1 इंच में यहाँ पर मैंने लिया है। 14.5 इंच मुझे इसे तैयार रखना है। 15.5 इंच पर मैंने इसकी कटिंग की है और शोल्डर बॉट नेक हमारा है तो 7.5 इंच पर मैंने इसका तीरा कट किया है और 6.5 इंच पर मैंने इसका आर्म होल रखा है। और यहाँ से हमारा जो चेस्ट का 1/4 हिस्सा करके 2 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। मैं नीचे की तरफ भी हमने एक इक्वल ही रखा है जिसमें हमारी टक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर नेक की जो ब्रॉड लेंथ हमने रखनी है वो 4.5 इंच पर रखेंगे हम बॉट नेक के लिए। और यहाँ से जो लंबाई हम रखेंगे वो 3 इंच पर रख रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पर हम बॉट नेक की शेप इधर देंगे। और जो तैयार हमें नेक की लंबाई रखनी है वो 12 इंच पर हम रख रहे हैं। और नीचे से हम इस शेप की 5 इंच पे ब्रॉड रखेंगे इस तरीके से। और इसको हम ऊपर की तरफ हल्के हाथों से मिला देंगे इस पॉइंट पे। अच्छे से हमारी शेप ड्रॉ कर लें और लाइनिंग वाले फैब्रिक पर हम इसी शेप को कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हटाते हुए हम यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर इसे कट कर लेंगे नेक की शेप को। एक पैर का गैप रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे कपड़े की ताकि सिलाई एग्जैक्ट हमारी जो हमने निशान लगाया हुआ है उसी के ऊपर आए। बहुत ही सुंदर सा ये हमारा नेक बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए, नेक इधर हमने कट कर लिया है और इसको मेन फैब्रिक के साथ सीधे से सीधा मिलाते हुए हम यहाँ पर ऑल पिन लगा कर इसे सेट करेंगे। इसमें मैं कोई पेस्टिंग या फिर बुकरम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही ये हमारा नेक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ऑल पिन यहाँ पर लगा दिया है। इसी तरीके से ब्लाउज़ का दूसरे वाले पीस को भी हम अच्छे से सेट करेंगे ऑल पिन लगा के। और ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कमर वाले हिस्से की तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे वाला पार्ट भी हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर कमर पट्टी हम अटैच नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसको गुम कर देंगे। पक्की सिलाई हमारी ये रहेगी। तो दोनों ही पीस में हम ये कमर वाली सिलाई को लगा देते हैं और उसके बाद हम नेक डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। अब हम नेक की बिल्कुल किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे एक पैर का गैप रखते हुए। और नेक की जो प्रॉपर शेप है वो हमारी आए इसमें, इसका ध्यान रखते हुए हम इसकी सिलाई को चलाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से में भी हम इस पर सिलाई लगा कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, नेक हमारा इधर बनकर तैयार हो गया है और अंदर वाले फैब्रिक को हम कट करके अलग कर देंगे।
और कोने पे हम इसमें कट लगा देंगे छोटे छोटे, ताकि फैब्रिक हमारा अच्छे से पलटी हो जाए और फिनिशिंग के साथ हम इसको तैयार करें। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा कर इसे तैयार करेंगे और इसको हम ऑल पिन हटा कर इसको पलट देंगे बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर हम इसको किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारी नोक निकल के आए। और यहाँ पर भी हम इसमें एक हुक अटैच करेंगे। तो इस तरीके से इस नोक को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इधर डोरी भी लगा सकते हो। मैंने इसमें यहाँ पर हुक अटैच करना है इसलिए मैंने इसको यहाँ से बंद रखा है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अभी डोरी भी लगा कर इसे तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये नेक बन गया है और इसकी प्रॉपर शेप हमारी आई है। अब हम यहाँ पर आई और हुक की पट्टी को भी अटैच करेंगे। आप चाहें तो इस यहाँ पर इस तरीके से कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं नेक को अच्छा और बनाने के लिए, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से सिंपल ही रखूँगी। और यहाँ पर हम ये आई और हुक की पट्टी को पहले तैयार करेंगे। ये लगभग 4 इंच की मैंने पट्टी ले ली है, इसको डबल फोल्ड हमें यहाँ पर कर देना है और दोनों साइड में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ताकि इसके कोई भी धागे हमारे बाहर ना निकलें। और यहाँ पर रखते हुए हम सीधे से सीधा मिलाते हुए इस पट्टी को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। और अभी यहाँ पर एक बैठी सिलाई हम लगा देते हैं और इसको पलटते हुए हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो ये हुक के लिए हमारी पट्टी इधर अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पर आई के लिए भी पट्टी को अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम डबल कपड़ा लेंगे मेन फैब्रिक के साथ, लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और इस तरीके से इसको रखेंगे सीधे से सीधा मिलाते हुए। और यहाँ से थोड़े से कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए एक पक्की सिलाई लगाएंगे और ऊपर से भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं ताकि इसको पलटने में आसानी रहे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी आई की पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल बटन भी दबा देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई की पट्टी इधर अटैच हो गई है प्रॉपर तरीके से, हमारा ये बैक नेक बनकर तैयार हो गया है। Thanks for watching.